मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विधानसभा में गर्जना आप सुन रहे होंगे, किस तरीके से कह रहे हैं कि माफियाओं को जमींदोज करने का काम इनकी सरकार लगातार कर रही है। फिर देश में राम राज चल रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। माफिया दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं, जिम्मेदार अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। कुर्सी पर चिपके बैठे अधिकारी जिम्मेदारी से अपना काम नहीं कर पा रहे। झांसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन फल फूल रहा है। मुख्यमंत्री बहुत बोलते रहे लेकिन अधिकारी काम करने में नाकाम है, या फिर कहें कि लगाम लगाने में नाकाम है, चाहे वो ललितपुर हो चाहे झांसी हो। झांसी के विधायक खुद चीख चीख कर बोल रहे हैं कि बीजेपी का झंडा लगाकर माफिया माफियागिरी कर रहे हैं, खास तौर से खनन माफिया। लेकिन तस्वीरें तो आती हैं, कार्रवाई की बात होती नहीं है। आप भी देख लीजिए तस्वीरों में किस प्रकार के दृश्य दिखाई दे रहे हैं और मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं। यह दृश्य है झांसी मंडल के, जहां कमिश्नर बैठते हैं, जहां डीआईजी बैठते हैं, साथ साथ ललितपुर जिले के भी यह दृश्य हैं, जहां डीएम और एसपी बड़ी बड़ी बातें मारते हैं। हकीकत कुछ और है, भाषणबाजी कुछ और ही हो रही है ललितपुर के अंदर। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। अब सवाल यह उठते कि मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं उसकी जमीनी हकीकत छानने के लिए, जानने के लिए कौन मैदान में उतरेगा? क्या मुख्यमंत्री खुद? आखिर झांसी मंडल के बड़े बड़े अधिकारी अवैध खनन क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्या मजबूरी है? किस कारण से आखिरकार यह फल फूल रहा है? लगातार शिकायत और मीडिया के आवाज उठाने के बावजूद भी आखिर कौन सी वो सांठगांठ है जिसके कारण अवैध खनन माफिया फल फूल रहे हैं? सत्ता संरक्षक माफियाओं के इशारे पर यह पूरा खेल चल रहा है और बड़े बड़े अधिकारी खामोश हैं। आखिर कमी कहां रह जा रही है? मुख्यमंत्री की तरफ से खुली छूट होने के बावजूद भी आखिर प्रशासन काम क्यों नहीं कर पा रहा है? अगर आप लोगों को कोई जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, किसकी मिली भगत से यह गोरख धंधा चल रहा है झांसी मंडल में।